एग्री कमोडिटी की खरीद फरोख्त पर 2% किसान कल्याण फीस लगाने के विरोध में प्रदेश के सभी 247 कृषि उपज मंडी और लगभग 2000 आटा दाल और तेल मिलों को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कमोडिटी व्यापारियों ने नया टैक्स वापस नहीं लेने पर अनिश्चित काल के लिए कारोबार बंद करने की चेतावनी दी है। काबिले गौर है कि कृषि विपणन बोर्ड ने अधिसूचना जारी करके एग्री कमोडिटी और फल सब्जी कारोबार पर 2% किसान कल्याण फीस लागू किया है। इसमें कमोडिटी खरीदारों को 4.85 के बजाय 6.85% टैक्स चुकाना होगा। इस फैसले की बात तो किसानों और व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि नया टैक्स अगर रविवार तक वापस नहीं लिया गया तो गाड़ियों और मिलों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के संकट काल में सरकार का ये निर्णय बहुत ही निंदनीय है और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। बेनीवाल ने गहलोत सरकार के खिलाफ डिजिटल अभियान चलाया है जिसे उन्होंने मंडी टैक्स वापस लो #टैग का नाम दिया है। यह अभियान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मंडी पर आने वाली सभी चीजों पर 2% किसान कल्याण टैक्स लगाने के खिलाफ लगाया है और आपको बता दें कि यह #टैग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। बेनीवाल लोगों का समर्थन मिल रहा है। बेनीवाल का कहना है कि सरकार को इस समय पर किसानों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। उन्होंने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। हनुमान बेनीवाल पिछले लंबे समय से किसानों के हित में हमेशा राजनीति करते आए हैं और जाहिर तौर पर अगर किसानों के साथ सरकार ने इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो हनुमान बेनीवाल पीछे नहीं हटेंगे और वो बड़े तरह से आंदोलन करेंगे। अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया में भी हनुमान बेनीवाल बेहद पॉपुलर हैं और उनकी बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग है। इस तरह से सरकार को एक बड़ा प्रेशर झेलने पड़ सकता है और ये पूरी तरह से संभव है कि किसानों का जो सपोर्ट हनुमान बेनीवाल को है, अगर उस सपोर्ट के साथ हनुमान बेनीवाल ने ये विरोध किया तो जाहिर तौर पर मंडी पर भी बेहद असर पड़ेगा और मंडी भी काफ़ी दिनों तक बंद रह सकती है। इस प्रेशर को लेकर सरकार को जल्द ही कोई कदम उठाना चाहिए। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।